हाँ नमस्कार, मैं अनुज कथूरिया, प्रेसिडेंट जेके टायर्स। आज हम यहाँ पे इस कृषि मेले में आए हैं हिसार में। हम हमेशा यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। आज भी हम यहाँ पे अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेके आए हैं अपने किसान भाइयों के लिए। हमारे पास अगर आप बात करें ट्रैक्टर टायर्स की खास करके, तो हमारे पास 100 से भी ज़्यादा अलग अलग साइजेस में टायर्स अवेलेबल हैं। और हम इन टायर्स को बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। और जितने भी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी OEMs हैं, उनके साथ भी मिलके हम इसमें काम करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग हैं जो कि खाली खेत में काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि उनको और अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कॉलेज के रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमारे पास आप देखेंगे, जैसा कि बाहर भी आप देख रहे होंगे, कि अलग अलग ब्रांड नेम्स भी हैं और उसमें फिर अलग अलग साइजेस भी हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, हमारा जो श्रेष्ठ ब्रांड है, ये एक बेहतरीन ब्रांड है जो कि हमने लॉन्च किया था। इसमें एक और भी है मॉडल जिसका नाम है पटलिंग मास्टर। ये पटलिंग मास्टर खास करके चावल के खेतों के लिए, जहाँ खेती होती है, जहाँ ज़मीन नरम होती है, जहाँ ज़्यादा पानी होता है, वहाँ के लिए है। हमारे पास दूसरा जो टायर है वो श्रेष्ठ, जो नॉर्मल है, उसमें भी वो नॉर्मल इसके लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे गेहूँ की खेती होती है या दूसरी तरह के, जहाँ सॉइल उतनी नरम नहीं होती है। बट कुछ किसान भाई हैं जो कि ट्रैक्टर्स को रोड पे भी ले जाते हैं। तो हमने हाल कुछ दिनों पहले एक रेडियल टायर भी लॉन्च किया, ट्यूबलेस रेडियल। ये इस टायर में ये खासियत है कि जैसे आप जानते हैं, ट्यूबलेस रेडियल टायर पंचर नहीं होते हैं, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। इसमें अंदर स्टील बेल्ट लगी हुई है, तो इसके चलते और भी उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के जो टेक्नोलॉजी है, हम अपने किसान भाइयों की, हमको पता है कि उनके लिए ट्रैक्टर और ट्रैक्टर का जो खर्चा आता है उसकी क्या अहमियत है, तो हम उस पर काम करते हैं कि उनके जो खर्चा है, स्पेशली जो टायर से जो खर्चा आता है, उसको कैसे हम कम से कम रखें, ताकि कि उनकी कमाई और अच्छी हो सके और उनको इस चीज़ से फ़ायदा मिले। आगे भी हम यहाँ पे अपने सारे जितने भी हमारे डीलर पार्टनर्स आए हैं या हमारे और कस्टमर्स आए हैं, उनसे हम जब बातें करेंगे तो हमको और समझ में आएगा कि और आगे भी क्या ज़रूरतें हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे भी और नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम और भी बेहतर प्रोडक्ट्स अपने किसान भाइयों के लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। ये हमारे दूसरे देशों में भी जाता है, खास करके मैं बात करना चाहूँगा US मार्केट की। वहाँ पे भी हम ये टायर्स ले जाते हैं, और कुछ एक जगह है वहाँ पे जहाँ पे हमारी टायर्स काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। और हम ऐसे देखा जाए तो हम सारे टायर्स, नट ट्रैक्टर टायर की खाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारे टायर्स देखा जाए तो हम 175 देशों में भेजते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हर मार्केट में भी जहाँ पे ज़रूरत है इन टायर्स की, वहाँ पे भी हम अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे पेश करें। और वहाँ से भी हमको सीखने को मिलता है कि वहाँ की ज़रूरतें कैसी हैं, और फिर वैसी ज़रूरतें अगर यहाँ पे भारत देश में भी आएंगी तो हम उसमें भी फिर काम कर सकेंगे। अभी हमने टायर्स बनाए हैं, चाहे वो 2-व्हीलर हो, 3-व्हीलर हो, पैसेंजर कार हो या बड़ी बसें हों, सबके लिए हमने बनाए हैं। अभी हाल में ही हमने पैसेंजर कार के लिए, जो रेंजर सीरीज़ में से HPE हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक टायर लॉन्च किया है, और वो काफ़ी उसके कस्टमर पसंद कर रहे हैं। उसकी खास बात यह है कि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, वो कम होता है। उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो एक ही चार्ज में ज़्यादा लंबी जा सकती है, ज़्यादा किलोमीटर चल सकती है, क्योंकि उसको जो रेजिस्टेंस को जो ओवरकम करना होता है वो कम होता है। तो ये खास करके उसके लिए बनाए गए। बट उसके साथ साथ हमने
बाकी जो ज़रूरतें होती हैं, जो वेट ग्रिप होता है या जो नॉइज़ लेवल्स होते हैं, उस पर भी ध्यान किया है। और ये सब तभी पॉसिबल होता है कि जब हम नए कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। तो इसके इसमें काफ़ी काम चल रहा है। अभी जितने भी टू व्हीलर थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, उसमें सब हम OEMs के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारे पास कंप्लीट रेंज हमारे पास है, और आगे भी जितनी भी ज़रूरतें आएंगी उस पर भी हम काम करते रह रहे हैं। हमारे पास मैसूर में एक अपना जो R&D सेंटर है, उसमें करीब 250 साइंटिस्ट और इंजीनियर काम करते हैं, और वो दिन रात यही कोशिश करते रहते हैं कि कैसे बेहतर टायर बनाएं, कैसे अल्टरनेट मटेरियल का यूज़ किया जाए उसमें, और कैसे कस्टमर को हम सबसे अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये हमारे जो दो स्टेट है फार्म टायर्स के लिए सबसे बड़े माने जाते हैं, और हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। और पिछले कुछ दिनों में हमने क्या किया कि यहाँ पे हम एक कस्टमर इंटरेक्शन प्रोग्राम करते हैं, जिसका हमने नाम रखा है किसान मित्र। उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को न खाली दिखाते हैं, बट हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे बात करते हैं, उनकी ज़रूरतों को और नज़दीक से समझते हैं, और उसके बाद उनको कभी कभी हम कुछ ट्रायल्स में भी देते हैं, उनके साथ मिल के हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है हमारे ब्रांड की, वो काफ़ी बढ़िया है इन मार्केट में।